नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिशेल ओबामा के बारे में। उनका जन्म 17 जनवरी 1964 को एक अमेरिकी वकील और लेखक के रूप में हुआ, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से शादी की और 2009 से 17 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में कार्य भी किया। और अगर बात की जाए उनके करियर को लेकर, तो उन्होंने लॉ स्कूल के बाद ओबामा लॉ फर्म सिडली एंड पोस्टन के शिकागो कार्यकाल में सहयोगी बन चुकी हैं, जहां तक उन्होंने मुलाकात अपने भावी पति बराक से हुई। फर्म में उनका मार्केटिंग और बौद्धिक संपदा कानून में काम किया। उनके पास अभी भी अपना कानून लाइसेंस है, लेकिन जो कि उन्होंने अब तक अपने काम के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने 1993 से स्वेच्छिक रूप से स्थिति में अपने आप को कायम रखा है। 1991 में उन्होंने शिकागो शहर की सरकार में मेयर के सहायक और योजना एवं विकास के सहायक आयुक्त के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के पदों में कार्य किया। उन्होंने 1993 में वह पब्लिक रिलीज के शिकागो कार्यक्रम में कार्यकर की निर्देशक भी बन चुकी हैं, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि युवाओं और गैर लाभकारी समूहों और सरकारी एजेंसियों से सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।